हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए भी, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है द पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और सिंपल टू सिंपल मैनर में, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है यूजिंग वेरियस चार्ट्स, वेरियस फ्लो चार्ट्स, ठीक है, उन सारी चीज़ों से, और बहुत सारे मैप्स यूज किए गए हैं सो दैट आपको चीज़ें पता चल सकें, और पिक्चर्स यूज की गई हैं, जो जो मतलब इसमें किरदार आएंगे सबकी पिक्चर्स यूज की गई हैं सो दैट आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर की। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जर्मनी पहले बिखरा हुआ था अलग अलग स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में, तो जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, एकीकरण, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी आज का जो जर्मनी है वो कैसे एक हुआ। जैसे आपको पता है ना, इंडिया में भी 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और जब आज़ादी के बाद उनको सरदार पटेल ने एक किया था, तो यहाँ पर भी यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ओटो बोन बिस्मार्क, इनको यूनिफिकेशन का फादर कहा जाता है जर्मनी का, ठीक है। और हमारे इंडिया में भी कई बार बोला जाता है कि सरदार पटेल हैं वो भारत के बिस्मार्क हैं। बिस्मार्क ने क्या किया था, यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, किसके यूनिफिकेशन में, जर्मनी के में। यूनिफिकेशन अगेन आई एम सेइंग एकीकरण करना, तो जर्मनी के एकीकरण की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन बाई वन चीज़ें देखेंगे। तो जानने से पहले एक बार हम ये वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं, ये वर्ल्ड का यूरोप का मैप है, स्पेशली किसका मैप है, यूरोप का। तो ये आज की डेट में जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी की बगल में यहाँ पे पोलैंड है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, और ये नीचे इटली है, यहाँ पे फ्रांस है, और ये चीज़ें रशिया, और रशिया के बीच में कई सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारस, लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पर है यूके, मतलब ब्रिटेन है जो आज का। तो आज का जो ये जर्मनी है, जर्मनी के नीचे जो इटली है, फ्रांस है, ये तो आज का है। इससे पहले जर्मनी की क्या सिचुएशन थी, ठीक है, वो सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। ये और क्लियर मैप है, यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी के नीचे इटली है, ये फ्रांस है, और ये पोलैंड, और इधर और एक्सट्रीम जाओगे तो रशिया आ जाएगा, ठीक है, और ये है ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी के जस्ट नीचे कौन है, ऑस्ट्रिया है, हमारा फोकस इसी पे रहेगा, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में एक जगह, ये इसका बीच में नाम आएगा, ध्यान रखना, वियना। देखो ऑस्ट्रिया की जो अभी कैपिटल है प्रेजेंट में वो है वियना, और जर्मनी की आज की डेट में कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। और ये फ्रांस है, और ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ये सारी चीज़ों का क्या है, नाम आएगा, इसलिए मैप आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैप नहीं आता तो आपको समझ लो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल, ये इटली, इटली की कैपिटल कौन सी है, रोम, ठीक है, ये सारी चीज़ अभी आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, ये मैप है 1815 का, जर्मनी 1815 में। एक्चुअली 1815 क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता है 1815 में नेपोलियन था जो फ्रांस का एम्परर था, उसको यूरोप की कई सारी पावर्स हरा देती हैं। हराने के बाद तो जो नेपोलियन का जहाँ पे रूल था वो ख़त्म हो जाता है, और दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, आपने नेशनलिज्म वाले टॉपिक में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं नेशनलिज्म पर भी एक बना दूंगा वीडियो, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू नो द फिजिकल मैप ऑफ जर्मनी, मैप जर्मनी के मैप को जानने की कोशिश करेंगे, जो पॉलिटिकल मैप है जर्मनी में। एक तो ये पार्ट है प्रशिया, एक बार अच्छी तरह से थोड़ा सा फोकस करके इस वाले मैप को अपने माइंड में बिठा लो, सो दैट टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो एक्सट्रीम ईस्ट की साइड में है प्रशिया, प्रशिया की बगल में है रशिया, ठीक है, प्रशिया की बगल में कौन है, रशिया, और यह है साउथ, और यह है वेस्ट, और यह है नॉर्थ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। तो ईस्ट में प्रशिया है, प्रशिया की बगल में रशिया है, और नीचे साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में ऑस्ट्रिया, और साउथ में यहाँ पे तीन जगहें, बावरिया, वर्टमबर्ग और वडेन, बावरिया, वर्टमबर्ग और वडेन, अभी इनके नाम आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट, और यहाँ पे सैक्सोनी, और ये प्रशिया, और यहाँ बीच में कहीं है राइनलैंड, ठीक है, राइनलैंड यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ राइनलैंड है, और ये ऊपर दो इनके नाम आएंगे बीच बीच में, एक तो होल्स्टीन है, और होल्स्टीन के बाद एक ऊपर, होल्स्टीन के ऊपर हो रहा है इस मैप में दिखा नहीं रखा, सेल्सविक, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। तो एक बार देख लेना इनको, क्योंकि इनका नाम अब बार बार आएगा जर्मनी में। ये देखो, ये जर्मनी है ही, यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट है ये है राइनलैंड, ओके, और आपको पता ही है नीचे ऑस्ट्रिया, और ईस्ट की, ये वेस्ट की साइड फ्रांस, और यहाँ पर क्या था
ये ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पर आपका रशिया था, यहाँ पे प्रशिया था, प्रशिया ही बगल में रशिया था, ऊपर डेनमार्क है, ध्यान रखना ऊपर क्या है, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक नज़र में, एक नज़र में मेन मेन इवेंट्स देख लेते हैं, इनको बार बार देखते रहना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 1861 में जर्मनी का रूलर बनता है विलियम कैसर, जर्मनी का या कहें तो प्रशिया का रूलर बन जाता है कौन, विलियम कैसर 1861 में। 1862 में ये विलियम कैसर क्या करते हैं, बिस्मार्क को, ओटो वन बिस्मार्क को अपना चांसलर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है चांसलर, और आज की डेट में भी जर्मनी में चांसलर ही बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। तीसरा चीज, 1862 में ये बन गए चांसलर, ये आई थिंक दो बार कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, 1862 में चांसलर बन जाते हैं कौन, बिस्मार्क। 1864 में, अब यहाँ से शुरुआत होगी, 1864 में वॉर होगा बिटवीन प्रशिया एंड डेनमार्क, ठीक है, जो जो मैंने अभी जर्मनी का ऊपर वाला ऊपरी ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाया था, ठीक है, जहाँ पे होल्स्टीन और सेल्स भी गए, वहाँ पर एक बार और मैप आएगा तो उस जगह पर डेनमार्क है, तो सबसे पहले 1864 में हमारा वॉर होगा, सॉरी प्रशिया का वॉर होगा किसके साथ, डेनमार्क के साथ। 1866 में फिर प्रशिया का बैटल होगा किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, यहाँ पर भी प्रशिया जीतेगी और यहाँ पर भी प्रशिया जीत जाएगा, फिर 1866 में ही ये डबल हो गए, वॉर होगा किसका, बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसमें कौन जीता है, प्रशिया। और 1870 में आपको पता है फिर वॉर होता है फ्रांस और प्रशिया के बीच में, जिसमें प्रशिया जीत जाता है, और 1870 में ही बन जाता है आपका यूनिफाइड जर्मनी, 1870 में क्या बन जाएगा, जर्मनी यूनिफाइड हो जाएगा। तो तीन बैटल होते हैं, पहला बैटल होता है डेनमार्क के साथ कब, 1864 में, दूसरा बैटल होता है ऑस्ट्रिया के साथ कब, 1866 में, और तीसरा बैटल होता है फ्रांस के साथ कब, 1870 में, तीन बैटल होते हैं, ठीक है। और 1861 में विलियम कैसर रूलर बनते हैं प्रशिया के, 1862 में बिस्मार्क चांसलर अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन इवेंट्स हैं, हो सके तो उनको पहले एक कॉपी पे अपनी पे बना लेना, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था। दूसरा, स्टेप्स इन जर्मन यूनिफिकेशन, देखो 1862 में बताया था बिस्मार्क चांसलर बन जाते हैं, 1864 में डेनमार्क और प्रशिया का बैटल होता है जिसमें प्रशिया जीत जाता है, 1866 में फिर प्रशिया और ऑस्ट्रिया का बैटल होता है जिसमें प्रशिया जीत जाता है और ऑस्ट्रिया हार जाता है, फिर 1870 में प्रशिया और फ्रांस का बैटल होता है जिसमें फ्रांस जीत जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटीज इन जर्मन यूनिफिकेशन, अब देखो जब भी बैटल होते हैं तो बैटल ख़त्म करने के लिए की जाती है ट्रीटी, क्या की जाएंगी, ट्रीटी मतलब संधि की जाएगी। तो 1865 में पहला बैटल जो हुआ था 1864 में किस किस के बीच में, प्रशिया के बीच में और डेनमार्क के बीच में, उसमें ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ गास्टीन, गास्टीन की ट्रीटी साइन होती है। 1866 में जो बैटल होता है उसमें ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन होती है। 1871 में, 18 तो मैं पता, 1870 में बैटल हुआ था किस किस का, प्रशिया वर्सेस फ्रांस, वो ख़त्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन की जाती है। ओके अच्छा, अब इन एक बार शॉर्ट में जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं, आगे और डिटेल में हम करेंगे। तो 1864 में आपको पता है वॉर होता है बिटवीन प्रशिया एंड डेनमार्क, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया सपोर्ट करता है प्रशिया की, देखो ध्यान रखो यहाँ पर बिस्मार्क ऐसी पॉलिटिक्स खेलता है, आपको पता है प्रशिया का एकदम दुश्मन था कौन, ऑस्ट्रिया, मगर बिस्मार्क की जो डिप्लोमेसी थी उसकी वजह से बिस्मार्क क्या करता है, ऑस्ट्रिया को अपने साथ ले लेता है और ऑस्ट्रिया प्रशिया की हेल्प करता है, क्योंकि इनको किससे बैटल लड़ना था, डेनमार्क से। डेनमार्क दो चीज़ों को कंट्रोल करके रखता था, होल्स्टीन और सेल्सविक, ठीक है, होल्स्टीन और सेल्सविक, ये एक्चुअली पहले जर्मन, यहाँ पे जर्मन लोग रहते थे मगर ये कंट्रोल में थे डेनमार्क के। अब इनको डेनमार्क से इनको क्या करना था, आज़ाद कराना था, जर्मनी में मिलाना था, तो ये आपका जो बिस्मार्क है वो हेल्प लेता है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया कूटनीति की वजह से, तो ऑस्ट्रिया सपोर्ट करता है प्रशिया को और प्रशिया डिफीट कर देता है डेनमार्क को, और डिफीट करने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ गास्टीन, 14 अगस्त 1865 ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के बीच में। इस ट्रीटी के तहत होल्स्टीन दे दिया जाता है ऑस्ट्रिया को, ठीक है, आपको पता है दो स्टेट थे, अब इन्होंने सपोर्ट किया तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो इनको मिल जाता है ऑस्ट्रिया, और सेल्सविक मिल जाता है आपको किसको, प्रशिया को मिल जाएगा, ठीक है। तो होल्स्टीन दे दिया जाता है ऑस्ट्रिया को और सेल्सविक दे दिया जाता है प्रशिया को, मगर अभी बिस्मार्क खुश नहीं था,
क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो चाहता था ये भी किसका पार्ट बने, प्रशिया का, मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अभी इतना मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अब फिर दोबारा से तैयार होता है बैटल ग्राउंड। तो अब तुम्हें पता है 1866 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया का वॉर होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो ये होल्स्टीन किसके पास चला गया था, ऑस्ट्रिया के। इसके लिए बिस्मार्क अब तैयारी करता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करता है कि भैया अब कैसे बैटल जीतना है। तो बैटल जीतने के लिए आप उसको पता था कि भाई अकेला बैटल जीतना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, अकेले लड़ेंगे तो डिफिकल्ट है, तो इनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। प्लस इनको ये भी इंश्योर करना था कि कोई ऑस्ट्रिया की हेल्प ना करे, इसलिए इन्होंने क्या किया, उस समय तीन मेजर पावर्स थी इनके अलावा, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। तो इंग्लैंड उस समय पॉलिसी फॉलो कर रहा था नो इंटरफेरेंस पॉलिसी, मतलब इंटरफेरेंस मतलब इंग्लैंड किसी के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। रशिया, अच्छा अब प्रशिया रशिया की सपोर्ट पाता है, प्रशिया किसकी सपोर्ट पाएगा, रशिया की। कैसे सपोर्ट पाता है प्रशिया, क्या कर देगा, रशिया की हेल्प करेगा। कहाँ पर, पोलैंड में एक रिवोल्ट हो जाती है, पोलैंड की रिवोल्ट में प्रशिया साथ देगा रशिया का, इसलिए रशिया खुश हो जाता है किससे, प्रशिया से, ठीक है। तो रशिया खुश हो गया, अब खुश हो गया मतलब रशिया बीच में नहीं आएगा। और बिस्मार्क अब यहाँ पे फ्रांस फ्रांस के साथ प्रशिया क्या करता है, एग्रीमेंट साइन करता है, कौन, फ्रांस और प्रशिया, कि भाई आप क्या करो, हमें सपोर्ट करना और उनके सपोर्ट ऑस्ट्रिया की सपोर्ट मत करना, बदले में हम आपको क्या देंगे, राइनलैंड का कुछ भाग आपको दे दिया जाएगा। तो ये लालच दिया जाता है किसको, फ्रांस को। अब फ्रांस थोड़ा था भाई, आप पार्ट मिलेगी, कुछ ज़मीन मिलेगी, इसलिए फ्रांस क्या कर जाता है, अलग हो जाता है इससे। तो फ्रांस को क्या लालच दे दिया प्रशिया ने, कि राइनलैंड का सम पार्ट है, राइनलैंड जो सेंट्रल पार्ट था हमने बताया था, उसका पार्ट, कुछ पार्ट आपको दे दिया जाएगा, इसलिए फ्रांस भी खुश। अब बैटल स्टार्ट हो जाएगा। तो बैटल में आपको पता है क्या होगा, बैटल में ये देखो दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, 1866 का बैटल, तो वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बैटल ऑफ सैडोवा भी बोलते हैं। सार्डिनिया, आप ध्यान रखना ये पॉइंट, अब मैं इटली का यूनिफिकेशन कराऊंगा तो जब आएगा, तो इटली में जैसे यहाँ पर प्रशिया लीड कर रहा है, उसी प्रकार इटली के यूनिफिकेशन में लीड करेगा पिडमोंट सार्डिनिया। तो 1866 के बैटल में सार्डिनिया भी हेल्प करता है, किसको सपोर्ट कर रहा है सार्डिनिया, सार्डिनिया सपोर्ट कर रहा है, सार्डिनिया सपोर्टेड इटली, यहाँ पे इटली नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पे प्रशिया आएगा। सार्डिनिया किसको सपोर्ट करता है, प्रशिया को सपोर्ट करेगा। और सार्डिनिया क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि ये इसलिए सपोर्ट कर रहा है, सार्डिनिया को चाहिए था वेनेशिया, जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तब मैं बताऊंगा। 1866 के बाद क्या होता है, आपको पता है प्रशिया जीत जाता है, वेनेशिया दे दिया जाता है सार्डिनिया को, और होल्स्टीन दे दिया जाता है प्रशिया को। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, इटली की जगह पे क्या आएगा, प्रशिया। तो सार्डिनिया जो है इटली का जो पिडमोंट सार्डिनिया वाला पार्ट है, ये प्रशिया को सपोर्ट करेगा, प्रशिया डिफीट कर देगा ऑस्ट्रिया को। फिर एक ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन होती है 23 अगस्त 1866, किस किस के बीच में, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, जिसके तहत होल्स्टीन तो दे दिया जाता है किसको, प्रशिया को, जो कि डेनमार्क से पहले लिया गया था, और वेनेशिया दे दिया जाता है इटली को। वेनेशिया इटली को क्यों दिया जाता है, क्योंकि इटली सपोर्ट कर रहा है भैया, किसको सपोर्ट कर रहा है, प्रशिया को, तो सपोर्ट कर रहा है, फ्री में तो करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने पहले ही कंडीशन रखनी थी कि भैया हमें तो बस अपना वेनेशिया दिला देना आप। तो सार्डिनिया को क्या मिल जाता है, वेनेशिया, और प्रशिया को मिल जाता है होल्स्टीन। ये है सेकेंड, थर्ड, और फिर इसके बाद आपको पता है ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन होती है, प्रेग साइन होने के बाद होल्स्टीन और सेल्सविक भी किस में मिल जाते हैं, प्रशिया में मिल जाते हैं, और वेनेशिया किसको मिल जाता है, इटली का पार्ट बन जाता है। ये और मैप है देख लो एक बार, ये है सेल्सविक और ये होल्स्टीन, और ये दोनों पहले पार्ट हुआ करते थे किसके, ये पार्ट हुआ करते थे डेनमार्क के, ठीक है, ये दोनों डेनमार्क के पार्ट है, ये वाले सेल्सविक और होल्स्टीन, ये पहले डेनमार्क के थे, अब किसके हो जाएंगे, अब हो जाएंगे ये प्रशिया के। तो पहले बैटल में डेनमार्क से लड़ाई लड़ते हैं, तो होस्टीन चला जाता है ऑस्ट्रिया के पास, और सेल्सविक आ जाता है प्रशिया के पास। फिर 1866 में जो बैटल होता है उसमें होस्टीन भी ले लिया जाता है किससे, ऑस्ट्रिया से, किसके पास आ जाता है, प्रशिया के पास आ जाता है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, 1870 के बैटल में क्या होता है, वॉर बिटवीन प्रशिया एंड फ्रांस, प्रशिया और फ्रांस के बीच में वार होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंको प्रशियन वॉर, और फ्रांसिस में प्रशिया को डिफीट कर देता है। फिर एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जो कि साइन हुई थी 10 मई 1871 बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया,
और इसी में अल्सेस एंड लोरेन जो फ्रांस का पार्ट टेरिटरी थी, फ्रांस के कंट्रोल में थी, वो दे दी जाती है प्रशिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्सेस और लोरेन किसको दे दी जाती है, प्रशिया को, जो किसकी टेरिटरी थी, किसके कंट्रोल में थी, फ्रांस के में। और इटली इसी समय का मौके का फ़ायदा उठाया था, इटली के यूनिफिकेशन में बताऊँगा। 1871 में रोम में पहले फ्रांस की आर्मी पोप को प्रोटेक्शन देती थी। अब जब लड़ाई होती है फ्रांस की किसके साथ, प्रशिया के, तो वो आर्मी रोम से कहाँ पर बुला लिया थी, फ्रांस में, तो रोम में कोई नहीं था, इसलिए इटली ने मौके का फायदा उठाया और रोम पर कंट्रोल कर लिया। तो रोम इस समय का किस में मिल जाता है, इटली में मिल जाता है, ठीक है। और 1870 में ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन होती है, जिसमें अल्सेस और लोरेन किसको दे दिया था, जर्मनी को। और भी कंडीशन हैं, ये सारी चीज़ें तुम मत लिखना, नोट्स अभी मैं बताऊंगा। ये 1871 के बीच में बाद में ट्रीटी साइन होती है जर्मनी के बीच में और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से आपको चैप्टर वाले नोट्स बनाने, अब तक का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ टेंथ वालों के लिए जो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के। अब वो यहाँ से नोट्स अपना बना सकते हैं, स्टार्टिंग में वो दो तीन जो चार्ट थे उनको आप बना लेना, वो सिर्फ आपको समझने में हेल्प करेंगे। अब यूनिफिकेशन की बात करते हैं, अब इसको देखेंगे हम, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो जर्मनी में स्टार्टिंग में ये है नेपोलियन, ध्यान रखना, ठीक है। तो जर्मनी में स्टार्टिंग में 300 छोटे और बड़े स्टेट हुआ करते थे 18 सेंचुरी में, और जर्मनी तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ साइड में थे प्रशिया, सैक्सोनी और फ्रैंकफर्ट। स्टार्टिंग में मैंने जर्मनी का मैप बताया था, एक बार आप उसको देख लेना दोबारा से। तो तीन पार्ट थे नॉर्थ में, प्रशिया, सैक्सोनी, फ्रैंकफर्ट, और राइनलैंड था इसका सेंट्रल पार्ट, ठीक है, राइनलैंड इसका सेंट्रल पार्ट था। और साउथ में वर्टमबर्ग, बावरिया एंड बडेन, ये साउथ के पार्ट हैं। जर्मनी के जो जनता थी, जर्मनी यूनाइट होने में दो चीज़ कॉमन थी, एक तो वो रोमन एम्परर था उसका रेस्पेक्ट करते थे, दूसरी चीज़ यहाँ पर थी एक डाइट असेंबली। डाइट में सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव बैठा करते थे। तो ध्यान रखना, जर्मनी में स्टार्टिंग में कितने स्टेट हुआ करते थे, 300 स्टेट्स हुआ करते थे, मोर देन 300 के समथिंग। अच्छा, एक चीज़ ये खास थी कि इन सभी स्टेट्स में जो जर्मनी में छोटे बड़े स्टेट थे, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था प्रशिया। प्रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी। और प्रशिया अब इस पूरी जर्नी में, जर्मनी को यूनिफाई करने में, जर्मनी को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी लेता है कौन, प्रशिया। प्रशिया बोला था भाई हम करेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन। और नेपोलियन को यहाँ पे बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, जर्मनी को ये किया, 300 स्टेट से इनको कन्वर्ट कर दिया 39 स्टेट्स में, मात्र 39 में। सोचो आधा इंटीग्रेशन तो असली यही करके चले गए। ऊपर से इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की, राष्ट्रवाद की फीलिंग डेवलप की कि भैया राष्ट्र सबसे पहले। तो नेपोलियन को इसलिए इनका क्या कहा जाता है, मॉडर्न जर्मनी का फादर कहा जाता है, ठीक है। क्यों, एक तो इन्होंने 300 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया, एज वेल एज लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की और वहाँ पे कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, प्रशिया, सैक्सोनी, फ्रैंकफर्ट, ये आपके नॉर्थ पार्ट में, सेंटर में यहाँ कहीं पे राइनलैंड है, और यहाँ पर साउथ में वडेन, वर्टनबर्ग और बावरिया, और बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में ऑस्ट्रिया है, ये प्रशिया है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रांस है और ये रशिया है, देख लेना एक बार। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन में क्या क्या समस्याएं थी, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं। जर्मनी के यूनिफिकेशन में मेजर समस्याएं क्या क्या थी, बाधाएं क्या क्या आ रही थी, समस्याएं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब है बाधाएं। सबसे पहली, एक तो ऑस्ट्रिया था, जो ऑस्ट्रिया मैंने अभी दिखाया था, ये देखो साउथ में ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस कर रहा था, किसके में, जर्मनी के में। तो सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, मेन दुश्मन कौन था, ऑस्ट्रिया। और ब्रिटेन, फ्रांस भी इंटरेस्ट ले रहे थे जर्मनी के इंटरनल मैटर्स में। प्रशिया के, जर्मनी के ज़्यादातर स्टेट मिलिट्री पावर में बहुत ज़्यादा वीक थे, प्लस वहाँ पे जर्मनी में क्या थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, सोशल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, मतलब लोगों में विविधता बहुत ज़्यादा थी, समाज अलग अलग तरह की थी, कल्चर अलग अलग तरह का था, कुछ स्टेट कमज़ोर थे इकोनॉमिकली, कुछ बहुत ज़्यादा रिच थे, पॉलिटिकली सब अलग अलग रहना चाहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, प्लस लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं थी कि हमको एक होना है कि नहीं होना है, ये भी एक दिक्कत है। ऊपर से जो पोप था उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था कहाँ के, साउथ के स्टेट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि व्हाट आर दी मेजर ऑब्स्टेकल्स बिफोर दी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आप बता देना, इन सारे पॉइंट्स को लिख देना। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन कौन से सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, सपोर्टिव मतलब जर्मनी का यूनिफाई करने में कौन कौन हेल्प करते हैं। सबसे पहले जॉलवेरिन,
तो जोलबेरिन बनाया जाता है, जोलबेरिन एक कस्टम टोल ट्रीटी थी। ये क्या थी, ये कस्टम टोल ट्रीटी जो किस किस के बीच में साइन होती है, स्टार्टिंग में प्रशिया और श्वार्जबर्ग, ठीक है। तो इस ट्रीटी के तहत क्या किया जाता है कि दो स्टेट, मान लो एक स्टेट ये है ए और ये है बी, पहले अगर इन स्टेट्स के बीच में अगर वो ट्रेड करना होता था तो कई प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगती थी। कस्टम ड्यूटी की वजह से ट्रेड करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस जोलबरीन के तहत ये जो कि एक कस्टम यूनियन है, जोलबरीन क्या है, एक कस्टम यूनियन है, तो कस्टम ड्यूटी जो लगती थी दो स्टेट्स के बीच में, उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो अब दोनों स्टेट्स के बीच में ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 1834 तक जर्मनी के मेजर जितने भी स्टेट्स थे वो इसके मेंबर बन जाते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑस्ट्रिया को छोड़कर, ये सारे सारे इसके क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। जोलबरीन हेल्प प्रशिया, जोलबरीन, अब जोलबरीन से क्या हुआ, प्रशिया को पॉलिटिकल लीडरशिप मिल गई, क्योंकि प्रशिया इस वाले ग्रुप में जोलबरीन में मेन था। तो प्रशिया को हेल्प करता है ये जोलबरीन, पॉलिटिकल लीडरशिप मिल जाती है और यहीं से राइज होता है प्रशिया का, और यहीं से शुरुआत करता है प्रशिया जर्मनी के यूनिफिकेशन की। तो पहला सपोर्टिव एलिमेंट्स जोलबरीन, जो क्या था, एक कस्टम यूनियन था। दूसरा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, अब आपको पता है फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, पोइट्स, ये भी एक रोल प्ले करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, जनरली मोटिवेट करते हैं, लोगों को जनरली इंस्पायर करते हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने भी लोगों को अवेयरनेस फैलाई, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को इंस्पायर किया, ये चीज़ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ फिलोसफर्स के नाम दे रखे हैं, ईगल, लिप्टे, हेटिंगहाइन, इन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप की कि भैया जर्मन कास्ट है जो सबसे बेस्ट कास्ट है, जर्मन कास्ट इज दी बेस्ट कास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बताई, तो इससे क्या हुआ, लोग एक हो गए, जर्मन जर्मन लोग थे वो क्या हो गए, एक हो गए। और 1815 में वर्सेनशाफ्ट वाज फॉर्म, एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम था वर्सेनशाफ्ट फॉर्म, बनाया जाता है कहाँ पर, जेना यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, जो क्या करता है, लोगों के अंदर फीलिंग डेवलप करता है सिटीजन के अंदर, किसकी, जस्टिस, फ्रीडम और यूनिटी की। तो ये बताना है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक मेजर सपोर्टिंग एलिमेंट है जर्मनी के यूनिफिकेशन में। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना, प्रशिया और रशिया के बारे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बारे में बता रखा है। अब देखो इन दोनों में क्या, एक बेसिक सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, प्रशिया थोड़ा लिबरल कंट्री बोल स्टेट था, प्रशिया कैसा था, लिबरल स्टेट था, और ऑस्ट्रिया थोड़ा ट्रेडिशनल था। तो जो लिबरल होते हैं वो चेंजेज को वेलकम करते हैं और ट्रेडिशनल चेंजेज का विरोध करते हैं। तो रशिया में, प्रशिया में क्या होता है, प्रशिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी, तो इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, जबकि ऑस्ट्रिया डेवलप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो पॉलिसी थी ट्रेडिशनल, वो नहीं चाहते थे कुछ चेंजेज आएँ। तो उस समय रशिया और प्रशिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हुआ करती थी, और प्रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ गति से डेवलप होता है, बहुत तेज़ गति से इंडस्ट्री लगती हैं, इंडस्ट्री सेटअप होने से कॉटन मिल सेटअप की जाती हैं, रेलवे का नेटवर्क सेटअप होता है। तो 1850 तक ये बन जाता है जर्मनी एक मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी प्रशिया में। और ऑस्ट्रिया में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिसी, वो चाहते नहीं थे यहाँ पे इंडस्ट्री लगे हैं ये वो सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि वो ट्रेडिशनल थे, चेंजेस का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इसलिए पीछे रह गए। और प्रशिया इस समय बन जाता है एक पावरफुल स्टेट बन जाता है, और प्रशिया क्यों बन जाता है, क्योंकि उन्होंने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की थी ताकि ट्रेड और बिजनेस को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। अब पढ़ेंगे हम ओटो वॉन बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के मेन हीरो हैं, ठीक है, जैसे आज हमारे इंडिया में कौन थे, सरदार पटेल, ऐसे वो ये हैं बिस्मार्क, जो जर्मनी को यूनिफाई किया, उन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करी थी। अब बिस्मार्क के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं, तो इससे पहले एक बार इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो 1861 में क्या होता है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो प्रशिया के किंग थे, उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद कैसर विलियम फर्स्ट को बनाया जाता है प्रशिया का रूलर। इसके बाद क्या होता है, अब देखो जब कैसर विलियम क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, कब, 1861 में, कहाँ के, प्रशिया के। अब ये जो थे कैसर विलियम, ज़्यादा इंटेलिजेंट तो थे नहीं, मगर इनके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि भाई ये दूसरों की पावर्स को ज़रूर पहचान सकते थे, और इनको पता था कि ओनली प्रशिया कैन यूनिफाई जर्मनी, मतलब जर्मनी को यूनिफाई कर सकता है
तो सिर्फ कौन कर सकता है, प्रशिया कर सकता है, ये इनको पता था, ठीक है। और वो भी किसके सहारे कर सकता है, अपनी मिलिट्री पावर और लीडरशिप के आगे, लीडरशिप की सहायता से। तो इनको दो चीज़ें पता थी कि ओनली प्रशिया कैन यूनिफाई दी जर्मनी, और दैट इज बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर एंड प्रशिया लीडरशिप, प्रशिया की लीडरशिप की वजह। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने बॉन रून को फील्ड मार्शल अपॉइंट किया और बॉन मोल्टके को चीफ कमांडर अपॉइंट करते हैं। और इसके बाद मेन व्यक्ति अपने इसके बिस्मार्क, उसको अपना चांसलर बना देते हैं, ताकि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रही थी, मिलिट्री रिफॉर्म आने थे उसके लिए, ठीक है। तो चांसलर बना दिया जाता है किसको, बिस्मार्क को। कौन बनाता है, कैसर विलियम, ठीक है। बिस्मार्क बहुत ज़्यादा चतुर पॉलिटिशियन थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, एक नंबर के डिप्लोमेट थे वो, ठीक है। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, जिन्होंने क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई किया। और बिस्मार्क ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, आयरन एंड ब्लड, ठीक है, खून खराबा करो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, बिल्कुल पीछे मत हटो। तो इन्होंने मतलब पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। और यहाँ पे एक इंसिडेंट दे रखा है कि जब एक मिलिट्री बजट पास नहीं हुआ था लोअर हाउस में, तो बिस्मार्क ने उसको अपर हाउस में पास करा लिया, ठीक है। अब देखते हैं जर्मनी के थ्री फेजेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन होता है वो तीन फेज में होगा। पहले लड़ाई होगी किसके साथ, डेनमार्क के साथ, फिर लड़ाई होगी इनकी ऑस्ट्रिया के साथ, और लास्ट में लड़ाई होगी इनकी फ्रांस के साथ। तो एक एक करके देखेंगे थ्री फेजेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहला वॉर विद डेनमार्क एंड ट्रीटी ऑफ बोस्टेन, ठीक है। डेनमार्क के साथ इनकी लड़ाई होगी और बोस्टेन के साथ ये क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा पूरा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी साथ में लेकर चलेंगे। डेनमार्क पहले दो डचीज या स्टेट्स को कंट्रोल करता था, जिनका नाम है सेल्सबिग और होल्स्टीन। सेल्सबिग और होल्स्टीन में ज़्यादातर लोग जर्मन हुआ करते थे, दोनों स्टेट्स में, और होल्स्टीन पहले एक जर्मन यूनियन था, उसका पार्ट था। अच्छा, 1852 में लंदन में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में जो यूरोप के किंग होते हैं वो डेनमार्क के सामने कंडीशन रखते हैं कि भाई आप इन दोनों स्टेट को कंट्रोल तो कर सकते हो, सेल्सबिग और होस्टिन को कंट्रोल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट मर्ज देम इनटू योर किंगडम। आप मतलब होस्टिन और सेल्सबिग को कंट्रोल तो कर सकते हो, मगर अपने किंगडम में मर्ज नहीं कर सकते। मगर ऐसा नहीं हुआ, डेनमार्क ने इसका अपोजिट किया। 10 साल बाद ही फ्रेडरिक, जो डेनमार्क का किंग था, कौन था, फ्रेडरिक, उन्होंने क्या किया, सेल्सबिग और होल्स्टीन को अपने किंगडम में मर्ज कर लिया, अपने राज्य में मर्ज कर लिया। अब मौका मिल जाता है बिस्मार्क को, बिस्मार्क इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है, और जनवरी 1864 वो ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी करता है। जनवरी 1864 में किसके साथ ट्रीटी करेगा, ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी करता है कि भाई देखो अब हम दोनों मिलके क्या करेंगे, साथ में लड़ाई लड़ेंगे। किससे लड़ाई लड़ेंगे, डेनमार्क से, और इनसे अपने दोनों स्टेट्स को क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, एक को आप ले लेना और एक को हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब फाइनली जो विलियम होता है किंग, और फ्रांसिस जोसेफ ने, नहीं सॉरी, इट बिस्मार्क इस चीज़ को फ़ायदा उठाता है, और एग्रीमेंट होता है किस किसके बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में और प्रशिया के बीच में। फिर फाइनली इन फरवरी 1864 जॉइंट आर्मी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया डिफीटेड डेनमार्क। ये दोनों किसको हरा देते हैं, डेनमार्क को हरा देते हैं, और विलियम एंड फ्रांसिस जोसेफ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ गोस्टीन, 14 अगस्त 1865, जिसके तहत होल्स्टीन तो दे दिया जाता है किसको, ऑस्ट्रिया को, होस्टीन दे दिया जाता है ऑस्ट्रिया को, और सेल्सबिग दे दिया जाता है प्रशिया को। मगर प्रशिया खुश नहीं था इससे भी, प्रशिया वांटेड टू बैक होस्टीन, प्रशिया होस्टीन को चाहता था। अब ये जो ट्रीटी है ये बिस्मार्क के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, और ऑस्ट्रिया के लिए एक बहुत बड़ी हार का मतलब, या बहुत बड़ी गलती बन जाती है, ठीक है। तो ये सेल्सबिग और ये होस्टीन है, जो कि किसके कंट्रोल में थे पहले, डेनमार्क के कंट्रोल में थे, और डेनमार्क से इनको कौन जीतता है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलके एक वॉर होता है, डेनमार्क और प्रशिया ऑस्ट्रिया का, जिसमें होस्टीन दे दिया जाता है किसको, ऑस्ट्रिया को, और सेल्सबिग दे दिया जाता है प्रशिया को। मगर प्रशिया वाज नॉट हैप्पी, ठीक है। दूसरा फिर वॉर होता है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होगा, कब, 1866 में साइन होगा, और 1866 में फिर ट्रीटी साइन होगी, कौन सी, ट्रीटी ऑफ प्रेग, ठीक है। तो बिस्मार्क अपने आप को तैयार कर रहा था, अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था किसके लिए, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, क्योंकि उसको होस्टीन वापस चाहिए था, और सेम टाइम वो ये भी चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया को कोई फॉरेन पावर, कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री हेल्प ना करे। एक तो अपने आप को तैयार कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था,
ये इंश्योर कर रहा था, उसको ये भी इंश्योर करना था बिस्मार्क को कि ऑस्ट्रिया की कोई हेल्प ना करे। तो ब्रिटेन उस समय आपको पता है नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो कर रहा था कि हम भैया किसी के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उन्होंने रशिया की सपोर्ट हासिल की, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, रशिया की सपोर्ट कैसे हासिल की, रशिया की ये हेल्प करते हैं कहाँ पर, पोलैंड में एक रिवोल्ट होती है वहाँ पर ये अपनी मिलिट्री प्रोवाइड करते हैं या वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, रशिया को। कौन प्रोवाइड करता है, प्रशिया। इसलिए रशिया खुश हो जाता है और वो फ्रांस का फेवर मिल जाता है उसको, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है, रशिया की सपोर्ट कर देते हैं। कौन रशिया की सपोर्ट करते हैं, रशिया जो पोलैंड में मतलब क्राइसिस चल रही है, पोलैंड में क्राइसिस हो रही है, पोलैंड किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहा था, पोलैंड कर रहा था रिवोल्ट रशिया के खिलाफ, और यहाँ पर ये सपोर्ट कर देते हैं किसको, रशिया को सपोर्ट करेंगे, रशिया को सपोर्ट करेंगे तो रशिया खुश, ठीक है। और सेम टाइम ये फेवर करते हैं फ्रांस का, कहाँ पर, फ्रांस का भी फेवर मिल जाता है, फ्रांस को ये लालच देते हैं। फ्रांस को क्या लालच देंगे कि भाई आपको हम राइनलैंड का कुछ पार्ट दे देंगे। तो प्रशिया और सार्डिनिया इसी बीच में, वहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था 1866 के बैटल में सार्डिनिया, जो पिडमोंट सार्डिनिया है, वो प्रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन करता है। और क्योंकि देखो सार्डिनिया और प्रशिया इन दोनों का कॉमन दुश्मन कौन था, ऑस्ट्रिया, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सार्डिनिया को क्या करना था, सार्डिनिया को जर्मनी का यूनिफिकेशन करना था, ठीक है। तो बिस्मार्क को इतनी सारी सपोर्ट मिल जाती है और वहाँ के जो लोग थे, होस्टिन के जो लोग थे, वो भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिल जाता है बिस्मार्क को। तो 3 जुलाई 1866 ये सारी कंडीशंस के बाद एक बैटल ऑफ सेडोवा होता है। बैटल ऑफ सेडोवा में क्या होता है, ऑस्ट्रिया को प्रशिया, ऑस्ट्रिया डिफीट, ये बैटल ऑफ सेडोवा होगा किसके बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में और प्रशिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रिया को डिफीट कर देता है कौन, प्रशिया, प्रशिया जीत जाता है। और फाइनली फिर एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ प्रेग, ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन होती है किस किस के बीच में, ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन होगी ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में, ठीक है। और इस लास्ट में इस बैटल को जीतने के बाद, जो होस्टीन किसके कंट्रोल में था अब तक, उसके कंट्रोल में था ऑस्ट्रिया के में, ऑस्ट्रिया से होस्टीन ले लिया जाता है और किस में मिला लिया जाता है, प्रशिया में मिला लिया जाता है। तो दो फेज हो गए हमारे, तो ये देख लो ये सेल्सबर्ग हो रही है होस्टीन, तो होस्टीन भी अब किसका पार्ट बन जाएगा, प्रशिया का, सेल्सबर्ग भी पहले बन ही चुका था, ठीक है। अब वॉर विद फ्रांस एंड ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट लास्ट पार्ट बचा है, वॉर विद फ्रांस, वॉर विद फ्रांस होता है आपको पता है, फ्रांस के साथ लड़ाई होती है 1871 में, किसकी, प्रशिया की। अच्छा तो कैसे होती है इसका एक बार देख लेते हैं। तो फ्रांस उम्मीद कर रहा था कि राइनलैंड का कुछ पार्ट किसको दिया जाएगा, फ्रांस को दिया जाएगा क्योंकि ट्रीटी साइन की थी, मगर बिस्मार्क इसको इग्नोर कर देते हैं। और फ्रांस और प्रशिया क्या करता है उस समय, एक नॉर्थ जर्मन यूनियन बना लेता है, इससे इसकी रेपुटेशन वर्ल्ड में बढ़ जाती है। एक बार फिर नेपोलियन III ऑफर करता है कि भाई हमें लग्जमबर्ग चाहिए, कहाँ का, जर्मनी का, मगर जर्मनी क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि भाई नहीं देंगे। तो फिर दोबारा से फ्रांस नाराज़ हो गया। अब लड़ाई होती है किस किस के बीच में, फ्रांस के बीच में और प्रशिया के बीच में, 15 जुलाई 1870, जिसमें जर्मनी फ्रांस को तीनों साइड से अटैक करता है और प्रशियन कमांडर वॉन मोल्टके डिफीट कर देते हैं फ्रेंच की आर्मी को कम्प्लीटली। और फाइनली एक ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन होती है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब साइन होती है, 21 फरवरी 1871, ठीक है, जिसमें दोनों कंट्रीज, जिसमें ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के तहत क्या है, दो एरिया अल्सेस एंड लोरेन ये दिए जाते हैं जर्मनी को, ठीक है, 1871 में, ध्यान रखना। तो ये है लोरेन और ये है अल्सेस, जो फ्रांस की कंट्रोल में थे, ये दोनों किसको दे दिए जाएंगे, प्रशिया को। और फिर फाइनली जर्मनी क्या हो जाए?